किसान भाइयों, आज के वीडियो में रस चूसक कीटों को कंट्रोल करने के लिए तीन सबसे अच्छे कीटनाशक दवा के बारे में बताने वाला हूं। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखते रहिए क्योंकि आपसे बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी शेयर करने वाला हूं। तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले बात करते हैं जो तीन मुख्य कीटनाशक हैं, उनमें पहली जो दवा है वह इमिडाक्लोप्रिड 70.8% SL फॉर्म में उपलब्ध होता है। यह निकोटीन ग्रुप का कीटनाशक है, अर्थात यह तंबाकू सहित दूसरे अन्य पौधों से प्राप्त किया गया होता है जो कि रस चूसक कीटों के लिए काफ़ी जहरीला होता है। इमिडाक्लोप्रिड कॉन्टैक्ट प्लस सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड दवा है, अर्थात अगर आप इसका उपयोग करते हैं तो यह पौधों में जा करके उनके सिस्टम में मौजूद रहता है, अर्थात अगर आप इसका एक बार स्प्रे करते हैं तो इसका काफ़ी लंबे समय तक आपको फ़ायदा देखने को मिलेगा, क्योंकि यह सिस्टमिक दवाएं जितनी भी होती हैं उसका असर लंबे समय तक रहता है और अगर बारिश हो भी जाता है तो भी आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। सिस्टमिक दवाओं का मुख्य काम यही होता है कि वह पौधों के सिस्टम में जा करके उनमें मौजूद रहता है, जिससे पौधे जब भी फल को या फिर तने को या पत्तियों को खाते हैं तो उन्हें यह मारने का काम करता है, तथा जो कॉन्टैक्ट की दवाएं होती हैं वह कीटों से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आते ही उन्हें मारने का काम करता है। समझने के लिए आप इतना जान लीजिए कि जब भी आप स्प्रे कॉन्टैक्ट वाली दवाएं करते हैं तो पत्तियों पर जितने कीट मौजूद होते हैं उन्हें यह तुरंत मारने का काम करता है, तथा सिस्टमिक दवाएं पत्तियों से हो करके उनके पूरे पौधे में जहरीला कर देता है, जिससे कि जो भी कीट पत्तियों को या तने को खाते हैं उन्हें यह मारने का काम करता है। तो इमिडाक्लोप्रिड सिस्टमिक प्लस कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड है, तो अगर आप इसका उपयोग करते हैं तो यह दोनों प्रकार से काम करता है। इसका स्प्रे आप कपास, मिर्च, टमाटर, बैंगन, भिंडी, आम तथा दूसरे फलों में या फिर फूलों में भी कर सकते हैं, आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। यह मुख्य रूप से दीमक को, एफिड, जेसिड, थ्रिप्स तथा सफ़ेद मक्खियों को, हरा फुदका या फिर भूरा माऊ, ग्रीन प्लांट हॉपर या ब्राउन प्लांट हॉपर को भी बहुत ही अच्छे तरीके से कंट्रोल करता है। कपास में इसका स्प्रे आपको एफिड, जेसिड तथा थ्रिप्स के लिए 60 से 90 ml प्रति एकड़ स्प्रे करना है, तथा आम में 2 से 4 ml प्रति 10 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करें, और बैंगन या भिंडी, मिर्च में एफिड, जेसिड तथा थ्रिप्स के लिए 100 ml प्रति एकड़ मिलाकर आपको स्प्रे करना है। खर्च की बात करें तो लगभग 100 ml का प्राइस आपको 180 रुपए के आसपास मार्केट में देखने को मिलता है। इसका प्राइस कुछ राज्यों में अलग अलग भी हो सकता है। अब बात करते हैं जो दूसरी दवा है उसका उपयोग आपको कैसे करना है, तो उसके लिए आप थायोमेथोक्सिम को ले सकते हैं। इसका स्प्रे आपको 50 से 60 ग्राम प्रति एकड़ करना है। और जो तीसरी दवा है उसके लिए आप रोगार को ले सकते हैं। रोगार का स्प्रे लगभग 250 से 300 ml प्रति एकड़ स्प्रे आपको करना है। तो रस चूसक कीटों के लिए सबसे अच्छी दवा आप इमिडाक्लोप्रिड 70.8% को ले सकते हैं। यह रस चूसक कीटों के लिए सबसे अच्छी दवा है। तो किसान भाइयों, उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।